नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूँ दीपा और आज हम बनाएंगे होममेड पेन ऑयल। इस तरह से हम बनाएंगे कि आप उसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इतना पोर्टेबल होगा। तो अब पेन ऑयल बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है चाहिए, जैसे कि सबसे पहला पेपरमिंट ऑयल और विंटर ग्रीन ऑयल। तो विंटर ग्रीन ऑयल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेन ऑयल बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो है मेंथाइल सैलिसिलेट एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि एस्पिरिन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो एस्पिरिन हमें मालूम है कि वो पेन रिलीफ करता है, तो ये जो ऑयल है इसीलिए पेन रिलीफ ऑयल है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो चाहे वो मसल में पेन हो या बैक एक हो या आर्थराइटिस का पेन हो या इवन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, उस समय पे भी इस ऑयल को जो है एब्डोमेन रीजन में अगर लगाएं तो मसल जो क्रैम्प्स होता है या पेन होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। शियाटिका का पेन है उसमें बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इवन अगर हेडेक की प्रॉब्लम है तो भी ये ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव है। और दूसरा है पेपरमिंट ऑयल, क्योंकि ये जो ऑयल है वो एक कूलनेस, एक रिफ्रेशमेंट तो देता ही है, साथ साथ जो है आपके माइंड को, यानी अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम है तो एक माइंड में एक रिफ़्रेशमेंट लेके आता है, एक तरह से एक हैप्पीनेस फील क्रिएट करता है। और जैसे हम एक कॉफ़ी लेते हैं या टी लेते हैं, हमारे ब्रेन में एक जो है कैफीन से एक स्टिमुलेंट का काम करता है, उसी तरह से पेपरमिंट भी वही काम करता है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर हम यूकलिप्टस ऑयल ऐड करेंगे। यूकलिप्टस भी पेन को जो है कम करता है। और हम कैम्फर लेंगे, कैम्फर भी मसल जो रिलैक्स करता है या पेन को रिड्यूस करता है। तो इसके अंदर हम जो है इस तरह से लेंगे कि 20-20% जो है हम पेपरमिंट और विंटर ग्रीन ऑयल लेंगे, और हम 10% यूकलिप्टस ऑयल और 10% कैम्फर लेंगे। तो 60% हमने ये लिया है। इसके अलावा हम एक बेस लेंगे, वो बेस होगा लिक्विड पैराफिन। अब लिक्विड पैराफिन, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनको होल्ड करने के लिए एक ऐसा बेस चाहिए जो कि इन सारे एसेंशियल ऑयल को बाइंड कर सके। अदरवाइज़ जब भी आप इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ये जो है स्किन में पेनिट्रेट करने की बजाय जो है ये इवेपोरेट हो जाएगा। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए एक बेस चाहिए जिससे ये इन सभी ऑयल्स को होल्ड कर सके और धीरे धीरे जो है ये टाइम के साथ स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। पेन ऑयल बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है पेपरमिंट ऑयल लेंगे। पेपरमिंट ऑयल हम इस पूरे जो 100% कॉन्स्टिट्यूएंट में 20% पेपरमिंट लेंगे। 30 ड्रॉप्स पेपरमिंट की ऐड करूँगी, तो 30 ड्रॉप्स ही मैं विंटर ग्रीन ऑयल की ऐड करूँगी। तो ये 30 ड्रॉप्स मैंने पेपरमिंट ऑयल की ऐड की है, और उसी तरह से 30 ड्रॉप्स ही मैं विंटर ग्रीन ऑयल की ऐड करूँगी। ये विंटर ग्रीन जो है आप देखेंगे इसका कलर जो है रेडिश या पिंकिश होता है, ये विंटर ग्रीन लीव से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो 30 ड्रॉप्स मैंने इसमें विंटर ग्रीन ऑयल के डाले हैं, और उस हिसाब से 10% मैं यूकलिप्टस ऑयल इसमें ऐड करूँगी। तो मैं 15 ड्रॉप्स यूकलिप्टस ऑयल के ऐड करूँगी, और 15 ड्रॉप्स के हिसाब से मैं 2 पैलेट्स कैम्फर के जो है 2 पैलेट्स कैम्फर के इसमें ऐड करूँगी। तो ये बहुत ही ईजिली क्रश हो जाता है। तो कुल मिला के जो है ये चारों चीज़ें जो है मैंने 60% डाली है, तो बचा हुआ जो बेस होगा 40% पैराफिन जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। तो 40% के हिसाब से इसमें 60 ड्रॉप्स मैं पैराफिन की ऐड करूँगी। तो मैं फ्रेश ड्रॉपर ले रही हूँ और 60 ड्रॉप्स मैं पैराफिन की ऐड कर रही हूँ। तो ये जो ऑयल है अब तैयार हो गया है, और इसको जो है एक मैं रोल ऑन बॉटल में फिल कर दूँगी। तो ये रोल ऑन बॉटल जो है ये आपको अमेजन से मिल जाएगी। ये 3 बॉटल्स जो है आपको 200 रुपीज़ में मिलेगी। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो ये 10 ml की जो है बॉटल होती है, और इसके अंदर मैं इस ड्रॉपर से इसे फिल कर दूँगी। तो ये बॉटल में जो है लगभग 5 ml जो है ऑयल आया है जो मैंने इसमें फ़िलअप किया है, और ये बॉटल जो है 10 ml की है। तो आप देख सकते हैं कि आधी जो है, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा जो है इसमें ये कवर हो रही है। तो 10 ml के हिसाब से ये अप्रॉक्सीमेटली 5 या 5.5 ml का हमने ऑयल जो है बनाया है और इसमें फ़िल किया है। और अगर आप चाहें तो
जितना भी परसेंटेज अमाउंट लेना है उसको आप डबल कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप इस अमाउंट को बना सकते हैं। तो ये जो है एक रोल ऑन बॉटल है जो कि मैंने अमेजन से परचेज़ की थी, एम्प्टी बॉटल्स आती है, तो ये मैंने 3 बॉटल्स जो है 200 की परचेज़ की थी। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप कहीं पर भी लोकल स्टोर से अगर आपको मिलती है तो परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो रोल ऑन बॉटल है, अब आप इस इतना फ्लेक्सिबल है, ये आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको हेडेक की प्रॉब्लम है तो आप इसको डायरेक्ट जो है इस रोल ऑन बॉटल को अपने ऐसे हेडेक में इस तरह से रोल ऑन कर सकते हैं और फिर जो भी इसमें ऑयल जो निकलेगा उसे आप जो है अपने स्किन पे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है, मसल में पेन हो रहा है, या फिर आपको कोई बैक एक है, रोल ऑन से इस तरह से अप्लाई करके ये जो ऑयल है बहुत ही ईजिली इसमें निकल आता है, तो इस तरह से आप अप्लाई करके जो है ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है पेन ऑयल। लेकिन अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इन्हेलर जो है एक बनाया था, तो उस इन्हेलर में भी ये सारे ऑयल्स हमने ऐड किए थे, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जितना परसेंटेज हमने डाला था, वो थोड़ा वेरी करता है। तो आप अगर चाहें और आपको लग रहा है कि आपका रनी नोज हो रहा है, कोल्ड कफ फ्लू की प्रॉब्लम है, तो आप इस रोल ऑन को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, आप इसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन आपको नहीं देगा, येट ये इफ़ेक्टिव भी होगा। तो आप इसको जो है डायरेक्टली अपने नेक पे अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा, या फिर आपको नोज़ के आसपास वाले एरिया में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके जो रिस्ट होता है, रिस्ट वाले एरिया को अप्लाई करके और इसे जो है इन्हेल कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस एरिया पे कहीं पे भी कट ना हो, अदरवाइज थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आपको हो सकता है। तो ये भी एक जो इसका तरीका है, क्योंकि एक रोल ऑन बॉटल है तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है और इसमें सिर्फ 10 ml आता है, तो ये इतना ज़्यादा पोर्टेबल हो जाता है कि आप इसको ऐसे क्लोज करके आप इसको अपने पर्स में या अपने पॉकेट में डाल के कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं तो भी। और ये जितने भी ऑयल्स हैं ये आप बहुत ही ईजीली कहीं से भी अवेल कर सकते हैं, और इनके लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो उन लिंक्स से भी आप इन ऑयल्स को जो है परचेज कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये पेन ऑयल पसंद आया होगा, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जितनी भी नॉलेज मैंने आपसे शेयर की है वो जो है सभी जगह स्प्रेड हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।